क्या आपके फ्रिज की फ्रीजर में बर्फ का पहाड़ बन रहा है जिसके कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है? तो मैं इस वीडियो में उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस बताऊंगा, बहुत सिंपल बहुत सरल तरीके से। तो मेरे पास पीछे आप सिंगल डोर की फ्रिज देख रहे हैं, इस फ्रिज में ऐसे क्या हो जाता है जिसके कारण से फ्रिज की फ्रीजर में बर्फ का पहाड़ बनने लगता है? आपके फ्रिज के साथ इसी तरीके की प्रॉब्लम्स आ रहा होगा, तो बहुत सिंपल तरीके से अपने फ्रिज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, कैमरा थोड़ा पास में ले आता हूँ, ये देखिए, वीडियो को ध्यान से देखिए। हम बताते हैं कि आप अपने फ्रिज की प्रॉब्लम को किस तरीके से पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो टेम्परेचर बटन देख पा रहे हैं, इस बटन को अगर बढ़ा हुआ है तो घुमा कर कम कर लें, क्योंकि ठंड के मौसम में इसको कम पर ही रखना चाहिए। जब आप इस चीज़ को देख लिए हैं, उसके बाद क्या करना है, इस जो फ्रीजर है, फ्रीजर के नीचे यहाँ पर ट्रे लगा होता है, ट्रे को खींचिए। खींचने के बाद आप देखेंगे कि ट्रे के नीचे में एक सेंसर्स लगा होता है, यहाँ पर देखिए, ये जो सेंसर्स यहाँ पर लगा है ये कहीं फ्रीजर से अलग तो नहीं हो गया है, उसको चेक कर लीजिए। अगर अलग हो चुका है तो उसको बिल्कुल, आप मेरे इस वीडियो में देख रहे हैं कि सेंसर किस तरीके से फ्रिज के फ्रीजर से चिपका हुआ होता है, इसी तरीके से चिपका कर लगाएं। अगर निकला हुआ है तो इसी तरीके से चिपका कर लगाएं। अगर आप देखते हैं कि फ्रिज का टेम्परेचर सेंसर बिल्कुल फ्रीजर के साथ चिपक कर लगा हुआ है, उसके बावजूद यहाँ पर आप देखते हैं कि टेम्परेचर बिल्कुल कम पर है, फिर भी फ्रीजर में बर्फ की पहाड़ बनता है, तो इसके अंदर एक थर्मोस्टेट लगा होता है, वो खराब होने की वजह से टेम्परेचर सेंसर सेंस नहीं कर सकता है, जिसके कारण से फ्रिज के फ्रीजर में बहुत ज़्यादा बर्फ की पहाड़ बनता है। उस कंडीशन में आप सिंपल से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर फ्रीजर में एक दो स्क्रू लगे होते हैं, दोनों स्क्रू को खोलने के बाद ये जो फ्रीजर का ऊपर जो डोर है वो बाहर आ जाता है, उसके बाद ये पार्ट निकलेगा, इसके अंदर थर्मोस्टेट होता है, उसको चेंज करेंगे तो आपके फ्रिज की फ्रीजर में बहुत ज़्यादा बर्फ की पहाड़ बन रही है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इस वीडियो में बताया बहुत सिंपल और सरल तरीके से आप अपने फ्रिज की प्रॉब्लम्स को पहचान सकते हो और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हो, वो भी घर पर बिना किसी टेक्नीशियंस हेल्प के। वीडियो से जानकारी मिलती हो, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर से लाएंगे नई वीडियो नई जानकारी लेकर।